सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच काफी टाइम से कड़ी टक्कर चल रही है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान और पूरी कपूर खानदान के बीच गजब का टक्कर चल रहा है, और इन सब में फेमस है सलमान और ऋषि कपूर की फाइट। एक दूसरे को इनडायरेक्टली इंसल्ट करने से लेकर एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहने तक ये दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और अब खबरें ये आ रही है कि सलमान खान अपनी इस दुश्मनी को भुलाने वाले है और ऋषि कपूर से मिलने भी वाले है। जी हाँ, सोर्सेज के मुताबिक सलमान खान ऋषि कपूर के सेहत के बारे में अपडेट्स ले रहे हैं और साथ ही उनका इंडिया आने का वेट कर रहे हैं ताकि वो ऋषि से जाकर मिल सके। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि सलमान न्यूयॉर्क जा सकते हैं टू मीट ऋषि कपूर। और इस न्यूज के बाद तो सभी सलमान और ऋषि कपूर के एक साथ तस्वीर की कर रहे हैं इंतजार। इनके पास के बारे में जिनको नहीं पता उनको बता दे कि सलमान और ऋषि ने एक दूसरे को कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इंसल्ट किया है। सोनम कपूर की रिसेप्शन पार्टी में सलमान ने नहीं किया ऋषि कपूर को ग्रीट, और इससे नाराज हुए ऋषि। उन्होंने इस बात की शिकायत की सोहेल खान की बीवी सीमा खान से और कहा कि सलमान का बिहेवियर सही नहीं है, और इस बात से ठेस पहुंची सलमान के ईगो को। और इसीलिए रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने ऋषि कपूर का नाम लिए बिना ही निशाना साधा था। सलमान ने कहा कि अगर कोई इंसान मेरी और मेरे परिवार वालों की बेइज्जती करता है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। कुछ एक और दो परिवार है जिनके लिए मेरे मन में ना ही कोई प्यार और ना ही कोई इज्जत है। यहाँ पर सारा मामला खत्म हो जाता है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का मेरे घर में स्वागत नहीं है। मुझे पता है कि इंडस्ट्री में वो सीनियर है और मैं जूनियर हूँ। उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप उनके साथ काम कर चुके हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर सामने वाला आपको बेवकूफ समझने लगे तो ये करना पड़ता है। हद तो तब पार हो गई थी जब सलमान ने ऋषि कपूर को सबके सामने इंसल्ट किया। सलमान से मीडिया ने ये पूछा कि 50 की उम्र से अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और ऋषि कपूर ने कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया था, तो इस पर उनका क्या कहना था। तो सलमान ने अमिताभ और अनिल को रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। वही ऋषि कपूर के टाइम पर सलमान ने पूछा, कौन ऋषि कपूर। अब इतनी लड़ाइयों के बाद अब इन दोनों की दोस्ती की खबर इंडस्ट्री में खुशी की लहर लेकर आया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? Do let us know in the comment section below.